सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम। एक बार पुनः बुंदेलखंड के इस पावन धरा पर स्थित गुदनवारा ग्राम के इस पावन माटी में सिद्ध श्री हनुमत पीठ आश्रम गुदनवारा के इस पावन मंच से इस पावन पांडाल से आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करेंगे सभी लोग। आज कथा का षष्ठम दिवस परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर आसीन है। हम सभी बड़े बड़भागी हैं। हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है, बड़े ही हर्ष का विषय है जो ऐसा सुंदर पुनीत सुअवसर हम सभी के जीवन में प्राप्त हो रहा है। हम सभी पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की असीम कृपा है एवं सद्गुरु देव की पूर्ण कृपा हम सभी पर है, तभी हम सभी को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसा सुंदर सुअवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा विनहि प्रयास हो ये भव भंगा। ऐसा सुंदर सुअवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से हम सभी बड़भागी हैं। हम सभी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का सुंदर सानिध्य प्राप्त हो रहा है, कृपा प्रसादी प्राप्त हो रही है और नित्य प्रभु श्री राम की जीवन गाथा श्रवण करके जीवन को संवारने का एवं जीवन को सफल बनाने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
आइए ऐसे पुनीत सुंदर स्वर्णिम सुअवसर को व्यर्थ न गवाते हुए सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री रामचरितमानस का पूजन अर्चन करेंगे, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का पूजन अर्चन करेंगे एवं पूज्य महाराज श्री का पूजन अर्चन नमन वंदन अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं, आहूत करते हैं हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी, सपरिवार आगे आकर श्री रामचरितमानस का पूजन अर्चन करें। इनका एक बार जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। ओम पुनन्दुमां देवजनः पुनन्दुमनसा देहः पुनन्दुविश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहमा पवित्रीकरणं कुर्यात् हस्तौ प्रक्षालय त्रियाचम्यः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य यजमाने मस्तके स्वस्तिकं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीसीतारामाभ्यां ध्यानं कुर्यात् ॐ लोका रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभभां ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि स्वां गन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोघदेशो मो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्मालां प्रधापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां प्रणवं पवनकुमार खलबलपावक ज्ञानघन जाशु हृदयागर्भ श्री राम सरचापधर हनुमते रामदूताय रामदासाय नमो नमः सर्वो चारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि लाल देह लालीलसे हरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर राज रामचंद्र भगवान की जय बोली हनुमान जी महाराज की जय ततो सद्गुरु देव पूजननम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनिशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय। अभी हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी एवं उनके साथ में उनके छोटे भाई छोटे भ्राता दोनों ने मिलकर श्री रामचरितमानस जी का पूजन अर्चन किया, श्री हनुमंत लाल जी का पूजन अर्चन नमन वंदन अभिनंदन कर, पूज्य महाराज श्री का पूजन अर्चन नमन वंदन अभिनंदन किया, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सभी के जीवन में यह सुंदर स्वर्णिम सुअवसर जो प्राप्त हो रहा है, यह बार बार ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, जब कई जन्मों के पुण्य पुंजों का उदय होता है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर हम सभी के जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर सुअवसर बार बार प्राणी मात्र के जीवन में प्राप्त नहीं होता है,
और ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त करके भी हमने अपने जीवन को नहीं संवारा, अपने जीवन को धन्य नहीं बनाया, तो हमारा यह मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि दुर्लभ हो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है प्रभु के चरणों में प्रीति करना, प्रभु के चरणों से जुड़े रहना, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाना, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की भक्ति को सुदृढ़ करना मानव जीवन का परम लक्ष्य और परम कर्तव्य यही है। और जो ऐसा नहीं करता वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। तो आइए हमें ऐसा सुंदर सुअवसर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, इस सिद्ध हनुमत पीठ आश्रम बुदनवारा की इस पावन धरा पर, बुंदेलखंड की इस पावन माटी पर बैठकर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में विगत 5 दिनों से हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा श्रवण करने का परम सौभाग्य, परम लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए, हम सभी अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं सर्वश्रेयस्करी जगत जननी माता सीता के श्री चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम नमन अर्पित करते हुए, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ परम पूजनीय परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम सभी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरण कमलों की ओर। पूज्य महाराज श्री बोलिए श्री रज राम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वांके बिहारी लाल की रमण बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुंडेश्वर महादेव की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बगाज माता की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। सिद्ध हनुमान पीठ हनुमान धाम की जय। जय जय श्री सीता जय श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमतये नमः।
वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे तं नृसिंहमहं भजे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् बातात्मजं वानरयो मुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नने नाशहि विघ्नने रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेणाभिहता निसाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर बोलिए श्री
श्री राज रामचंद्र भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर भगवान श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य पावन चरित्रों को श्रवण करके अपने मन को चित्त को पवित्र करें। जो साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात धर्म स्वरूप रघुनाथ श्री राम हैं, ऐसे भगवान प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्र जो दैत्य निकंदन भक्त मन जन रंजन शरणागत भयहारी अवधेश कुमार कौशल्या प्राणाधार जानकी जीवन धन भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र कौशलेंद्र दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की पावन कथा श्रवण करके अपने मन को चित्त को विशुद्ध करके अपने जीवन को सफल बनाए। श्रीमद् रामचरितमानस के उरोझरों से पयोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पायपान करके मज्जन करके ज्ञाता के कृतकृत पुण्य यथार्थ हो जाए प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए जीते जी ज्ञान आनंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। श्री रघुनाथ जी की कथा से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की कथा श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए आइए प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा प्रारंभ करते हैं। मंच पर विराजमान सभी संत वृंद आचार्य वृंद शास्त्री वृंद एवं उपस्थित सद्धर्म प्रेमी भगवत सज्जनों भक्तिमती माताओं बहनों भाई राजीव नयन धरे धनु सायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगति विपति परागा गुरु पद
समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की व्यथा जय राम कथा जय श्री राम कथा
विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जिमि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जिमि पाना सुनकर तू ही अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनके तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमान यथा जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा मत गाई सुजन संजीवनी मूरी सुहाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन संजीवनी मूरी सुहाई बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर यथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय हो श्री राज रामचंद्र भगवान की सादर सुनु गिरि राज कुमारी राम कथा सादर सुनु गिरि राज कुमारी राम कथा कलिपिटप कुठारी सादर सुनु गिरि राज कुमारी राम कथा कलिपिटप कुठारी सादर सुनु गिरि राज कुमारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ा बनहारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ा बनहारी तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा माँ पार्वती कर यथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री
रथ संभारी रघुनाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरथ संभारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी तेरा भी मंगल हो जाए 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 राजा दशरथ कैसे जथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय 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 राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा अयोध्यानाथ की जय। कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में धनुष यज्ञ हुआ, देश देश के राजा आए, धनुष नहीं तोड़ पाए, बड़े दुखी हुए, धनुष नहीं तोड़ पाए। किसी ने कहा धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए, वो इसलिए नहीं तोड़ पाए, किसी संत ने बताया, बोले जब उद्घोष किया गया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो बिना ही संकोच के सीता से नाता जोड़ेगा, तो जो पहले नंबर पर राजा बैठे थे, देश देश से राजा आए हुए थे, तो जो पीछे नंबर से बैठे हुए बीच में और लास्ट में, तो वो प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान पहले नंबर के राजा से धनुष न टूटे, सब ये प्रार्थना कर रहे। तो पहले वाले नहीं तोड़ पाया, फिर दूसरे नंबर के आए, उनको भी यही प्रार्थना, सब एक दूसरे की प्रार्थना कर रहे थे कि इनसे ना टूटे, इनसे ना टूटे, और जिनसे नहीं टूटा वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज हमसे तो टूटा नहीं है विधाता, इनसे ना टूटे, इसलिए कोई नहीं तोड़ पाए। फिर क्या किया कि धनुष को तोड़ने के लिए जब देश देश के राजा कोई भी नहीं तोड़ सके, तो जनक जी को संताप हुआ, परिताप हुआ, दुख हुआ। तब श्री रघुनाथ जी को आज्ञा दी है गुरु विश्वामित्र जी ने, तो गुरुदेव की आज्ञा पाके श्री रघुनाथ जी गए और धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने के बाद में फिर भी राजाओं को शांति नहीं हुई, जो देश देश के राजा बैठे हुए थे, कोई कहने लगे इन बालकों को बंदी बना लो और सीता जी को छीन लो, बोले नहीं ऐसे नहीं, एक साथ तोड़ो सब मिलकर के। तो सब जितने देश देश के राजा आए थे सब धनुष पर टूट पड़े। कि भूप सहस्र दस एक ही बारा लगे उठावन टरही न टारा, लगे उठावन टरही न टारा, कि डगही न संभू सरासन के से कामी बचन सती सुन जैसे,
भूप सहस्र दस एक ही बार लगे उठावन टर ही न डबा ही दग ही न संभू। भगवान शंकर जी का वो धनुष पिनाक, उस धनुष का नाम था पिनाक, हिला भी नहीं, उठने की तो बात क्या है। अब विचार यहां ये हुआ कि 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए लग गए, और यदि धनुष उठा भी लेते तो क्या सीता जी का विवाह 10,000 राजाओं से कैसे होता। भूप सहस्र दस एक ही बार लगे उठावन कर ही ना टारा, तो 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए लग गए, उठा नहीं सके, लेकिन मान लीजिए यदि धनुष को उठा लिया होता तो क्या सीता जी का विवाह 10,000 राजाओं से कैसे होता। इसका अर्थ है, लेकिन गुरुजन बताते हैं कि ऐसा नहीं है। भूप सहस्र दस एक ही बारह, एक ही बारह शब्द आया है यहां से, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, तो बारह एक बार में माने सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन में 10,000 राजा उस धनुष को एक एक करके उठाते गए, लेकिन टर ही ना टारा, धनुष नहीं हिला। 10,000 राजा उठा लिए उस धनुष को, लेकिन नहीं उठा पाए। इसलिए इसका अर्थ है एक साथ 10,000 राजा नहीं लगे, एक बार में मतलब दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठ पाया, इसलिए धनुष नहीं उठा। तो भगवान ने तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धनु घोर कठोरा, और उसी समय रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा सभा के मध्य में, दिन के मध्य में, और धनुष को भी मध्य में। तो भगवान ने मध्य में धनुष क्यों तोड़ा, क्योंकि ये अभिमान भी मध्य में ही रहता है। तो भगवान ने दिन के 12 बजे धनुष को तोड़ करके मानो राजाओं के अभिमानों को तोड़ा है, जो मिथ्या भाषण करने वाले थे, जो मिथ्या भाषण करके एक दूसरों को बहकाने वाले थे, उनके अभिमान को श्री रघुनाथ जी ने, राजा राम ने तोड़ा है। सूर्य वंश में भगवान प्रभु श्री राम प्रकट होके उनके अभिमानों को तोड़ दिया। इस प्रकार संपूर्ण अयोध्या में, संपूर्ण जनकपुरी में, मिथिलापुरी में जय जयकार हो गई, और गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कुछ राजा वहां से चले गए, कुछ राजाओं को ये भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, तो भगवान के उस दिव्य शुभ विवाह का दर्शन करने लगे। कुछ राजा वहां से अपना मन को मारते हुए निकल गए। संपूर्ण मिथिलापुर वासी नाना प्रकार के गीत गा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। उन गीतों में अनेक प्रकार के देवी देवता भी मिथिलापुर वासी बनकर के आए। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है, सीएमएली उर्मान जय मान। जब धनुष यज्ञ से पहले माता सीता जी अंबिका वन में जाके पूजा किया था, अंबिका वन में पूजा की थी, तो वहां पवन पुत्र हनुमान जी का भी दर्शन हुआ उनको, और दर्शन के बाद में माता रानी का जब पूजन किया तो खसी माल मूर्ति मुस्काने, जगदम्बा परम्बा भगवती माता दुर्गा का की मूर्ति मुस्कुराने लगी, और उनकी माला सियाजू की गोदी में आ गई। ये संकेत हो गया कि श्री रघुवर रघुनाथ ही वर रूप से उनको प्राप्त हो जाएगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिया। अद्भुत जगदम्बा परामला तो सब जगह कृपा करती है।
बुंदेलखंड की इस पावन भूमि पर बगाज माता का बड़ा श्रेष्ठ उच्चतम स्थान है, जहां वो दिव्य देवी का दर्शन अद्भुत अलौकिक है और साक्षात है। वहां पर कोई भी पहुंच जाए, नाग ने डस लिया हो, किसी कुत्ते ने काट लिया हो, जहरीले जीव जंतु ने, तो वहां जाके दर्शन करें और प्रणाम करें तो ठीक है, पहुंचने की देरी होती है। कल दर्शन का लाभ मिला था, हमारे साथ में नींबू है, संतरा है, राजा नरेंद्र सिंह राजा गए और भूपेंद्र राजा और भी अनेक शास्त्री लोग, बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। भगवती माता बगाज माता को दुर्गा सप्तशती की शक्करादि स्तुति भी सुना के आए, अनुभव भी वहाँ दिव्य हुआ, क्योंकि वो साक्षात देवी है। सच्चे मन से वहाँ जो सच्ची श्रद्धा से जो प्रार्थना करें भगवती माता, वो साक्षात बगाज माता पूरा करती है। अद्भुत जगह है, और जो जो वहाँ सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन जिन ने सेवा की है उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़े, क्योंकि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता भगवती के चरणों में जो निस्वार्थ सेवा करते हैं भाव से, प्रेम से, तो माता उनके सब मनोरथ पूर्ण कर देती है। कुछ मंडली हमारी रह गई दर्शन कर दे, फिर आज गए कुछ लोग, बाकी शास्त्री लोग ये अद्भुत बुंदेलखंड की प्रसिद्ध देवी तीर्थ है। बगाज माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से, हरियाणा से, पंजाब से, मथुरा से, गोपी की नगरिया से हमारे सुरेश सारस्वत आए थे दर्शन करने। बोले महाराज यूट्यूब पर हमने देखा बुंदेलखंड के तीर्थ, तो बहुत से तीर्थ हैं, बगाज माता का दिव्य दर्शन किया, यहां भी आए थे, कथा भी सुनी, फिर वो वहां रुक करके फिर दर्शन करके गए, कुंडेश्वर महादेव का दर्शन किया। तो ये अद्भुत अलौकिक अप्राकृतिक स्वयं हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए कुंडेश्वर महादेव का, आप स्वयं प्राकट्य है, उसका इतिहास आप सब लोग जानते हैं। कुंडेश्वर नाम उनका इसलिए पड़ा कि कुंड में से प्रकट हुए, उखली में से कूड़ा उठा के ढक के चली गई वो जो एक माता थी, तो वो कूट रही थी धान, चावल कूट रही, तो वो एकदम से लाल हो गए खून के, तो वो कूड़े से ढक करके गई। जब तक वो लौट के आई, सबको बुलाया, तो उस माता ने देखा कि भोले वनाथ उखल में से प्रकट हो गए, और जो कूड़ा ढक के गई वो तोड़ के, और वो भगवान कुंडेश्वर निकल आए। तो आज भी घी का वहां पर वो रोई में लगा करके रखा जाता है, घी का फुआ। तो भोले बाबा को कुंडेश्वर महादेव का दर्शन, तो आते ही श्री गणेश कुंडेश्वर महादेव पर दर्शन किया और वहीं पर अभिषेक हुआ, फिर इधर प्रस्थान हुआ था। तो बड़ा अद्भुत और प्राकृतिक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग है कुंडेश्वर महादेव, जो ऐसा भी इतिहास आता है कि यहाँ पर जो है बाणासुर ने आकर के भगवान की भक्ति करी, बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने यहाँ तप किया, बहुत प्राचीन है। तो भगवती अम्बा, जगदम्बा, पराम्बा, तीन रूप उनमें विद्यमान है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो देवी का दर्शन किया सीता जी ने और आशीर्वाद मिल गया, खसी माल मूरत मुस्कान। और जब जब भी देवी की उपासना जो करते हैं तो भगवान शक्ति प्रदान कराते हैं। इस प्रकार से मंगल गीत गाए जा रहे थे, उसी समय जो धनुष टूटा, उस धनुष की आवाज, जो धनुष का शब्द हुआ, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, तेषण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। एक तो होता है कठोर, एक घोर कठोर, जैसे भयंकर तेजी से एक आवाज आवे, कान फट जाए, इतनी तेज आवाज में जब धनुष टूटा, तो इस तरह से शब्द हुआ, और जैसे ही शब्द हुआ वो दसों दिशाओं में शब्द पहुंचा।
परशुराम जी तप कर रहे थे, उनके कानों में आवाज पहुंच गई, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा? उसी समय परशुराम जी को क्रोध आ गया और दौड़ते हुए आए। ते ही अब सर सुन शिव धनु भंग का, सभा ने एकदम से मोड़ ले लिया, प्रसंग बदल गया। गोस्वामी जी ने धनुष के बाद खुशियों में बदल गया सारा दृश्य, लेकिन अब एकदम से प्रसंग मोड़ दिया। और उसी समय भृगुकुल कमल पतंग परशुराम जी परसा लेते हुए दौड़ करके आए और भरी सभा में जनक को ललकारा। कह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, क्रोध करके परशुराम जी परसा दिखाते हुए जनक जी को जड़ शब्द से संबोधन किया। ए शिव का धनुष किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा? कौन है मेरे सामने? पूरी सभा एकदम स्तब्ध हो गई, प्रसंग बदल गया। मिथिलापति तू यह बतला, मिथिलापति तू यह बतला, धनुआ किसने ये तोड़ा है? धनुआ किसने ये तोड़ा है? धनुआ किसने यह तोड़ा है? भरी सभा स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? किसने शिवरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? हे मिथिलापति तुम यह बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला वरना मैं चौपट कर डालूंगा। इतना क्रोध आया परशुराम जी को कि सब जितने बैठे थे सब डरने लगे। अरे ये तो बहुत क्रोधी है, परशुराम जी तो बहुत ही क्रोधी देवता है, ऋषि। जनक जी तो भगवान को सिमरन करने लगे, हे प्रभु कैसे इनका क्रोध शांत हो गए। अत्यंत शीघ्र बतला वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा, चौपट कर डालूंगा, सब कुछ चौपट कर डालूंगा, सब कुछ चौपट कर डालूंगा, सब कुछ चौपट कर डालूंगा। जितनी है पृथ्वी ये तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा, जितनी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा, जितनी है पृथ्वी सब तेरी उलट पुलट कर डालूंगा। अत्यंत शीघ्र बतलाओ वरना मैं तुमको और तुम्हारी संपूर्ण पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, यहां कोई भी एक भी जीवित नहीं जाएगा। सुने ना, संपूर्ण मिथिलावासी, मिथिलापुर वासी जितने भी सभा में बैठे बंदी जन सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये ऋषि महाराज कहां से आ गए, शुभ काम में ये सब बिगाड़ने के लिए यहां प्रकट हो गए। अच्छा खासा धनुष टूट गया था और बहुत अच्छी खुशियां थी और अचानक ये यहां से प्रकट हो गए।
लेकिन बड़े प्रेम से श्री रघुनाथ जी ने उनके क्रोध को शांत किया। बड़े विनम्र भाव से श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, जो कृपा पात्र हैं गुरुवर के, जो कृपा पात्र हैं गुरुवर के, वह काम वही ये करते हैं, काम यही वह करते हैं, ये काम वही कर सकते हैं, ये काम वही कर सकते हैं, वह काम वही कर सकते हैं, ये काम वही कर सकते हैं, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वो प्रभु चरणों में समर्पित है, कृपा ब्राह्मणों की प्रभु चरणों में समर्पित है, इस पर है कृपा ब्राह्मणों की प्रभु चरणों में समर्पित है। जब प्रेम से उनको वंदन किया, प्रेम किया, रघुनाथ जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी को कुछ समझ में आया। लक्ष्मण जी ने भी बहुत वार्तालाप की परशुराम जी, यहां तक कि अपने परसे को हाथ में लेकर के और लक्ष्मण जी के बिल्कुल सामने तक ले आते हैं, गर्दन तक ले आते हैं। जब थोड़ा सा परशुराम जी शांत होते हैं तो रघुवंशी लक्ष्मण है, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के अनुज भ्राता शेषावतार, तभी कह देते महाराज ब्राह्मण को क्रोध करना शोभा नहीं देता है, इसलिए महाराज क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। इतना कहा तो और ज्यादा बिखर गए महाराज परशुराम जी। बोले पता नहीं मेरा एक कुठार परसा क्यों नहीं उठ रहा है इस बालक पर, और ये बहुत वाक्य पटुता कर रहा है, इतना वाचाल है, बहुत बोल रहा है। लक्ष्मण जी बोले महाराज क्षमा करें, यहां कुमणबतियां कछु नाही और जिम तर्जनी देख मुरझाई। कुमणबतियां जानते हो, कुमणबतियां एक तो बेसन की बतियां होती हैं, लेकिन एक कुमणबतियां माने कुमड़े की बेल, कुमड़ा शब्द बुंदेलखंडी शब्द है, उसको काशी फल भी कहते हैं बहुत लोग उसको सीता फल भी कहते हैं, लेकिन काशी फल ज्यादातर जानते हैं। सीता फल तो वो गोल गोल सा होता है, मीठा होता है, लेकिन कई जगह उसको। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ कुमड़बत्तियां कछु नाही, महाराज एक कुमड़े की बेल नहीं है, जब कुमड़ा फूलता है तो उसमें छोटा सा वो फल लगता है, कुमड़ा छोटा सा होता है, छोटा सा जौवा लगता है, जौवा कहते हैं उसको। तो जो पड़ोसी अड़ोसी होते हैं ना, जो दूसरों के घर पे कुमड़ा की बेल लगी हो, कुमड़ा खूब फूला है और छोटे छोटे जौवा लग गए, बड़े बड़े गेंद से हो गए, तो जब वो घर वाला ना देख पाए तो उंगली दिखाते हैं उसको, ऐसे कहे एक वो लगो, एक वो है, एक वो है। सो घर वाले देख लेते हैं, अरे क्यों दिखा रहे हो, हमारे कुमड़ा सब खराब कर दो, तो उंगली दिखा करके ऐसा टोटका होता है, तो वो कुमड़ा फिर वहीं मुरझा जाता है और वो फल नहीं लगता उसमें, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज हम वो कुमड़े क्या फूल यहाँ कुमड़बत्तियां कछु नहीं, जिम तर्जनी देख मुरझाई, तर्जनी कहते हैं पहली वाली उंगली को, तो बोले हम कुमड़े की बेल या वो फूल नहीं है कि आपके बैकारवे पर या क्रोध में आके आपके क्रोध से हम डर जाएंगे, ये धनुष ही तो हमने खेल खेल में सैकड़ों तोड़ दी इस तरह की, ये कोई विशेष धनुष थोड़ी था महाराज, और इसमें गलती क्या हुई। बार बार क्रोध करते हैं परशुराम जी। फिर श्री रघुनाथ जी ने अंत में प्रणाम किया है परशुराम जी को, बोले प्रभु नाथ संबुधन भंजन हारा, हो ये कोई दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन
आपका ही कोई दास होगा जिस दास ने इस धनुष को तोड़ा है, सो कृपा करके प्रभु आप दया कीजिए। आप भी राम है और मैं भी, ये दास भी राम है, बस अंतर इतना है कि मैं राम हूं और आप परशुराम हो। परशुराम जी को स्मृति हुई कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि त्रेता में, त्रेता के अंत में परमात्मा सूर्य वंश में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। तो क्या वो राम वो ही तो नहीं है? परशुराम जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे कोई तो वो भगवान के अलावा संसार में कोई नहीं कर सकता। तो परशुराम जी को ये ध्यान आ गया और उन्होंने अपना धनुष दिया और लेकर के रघुवर राम के कर कमलों में दिया, यदि तुम राम हो तो इस धनुष पर, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। उसी समय श्री राम जी ने धनुष लिया है। राम रमापति कर धन दे, जैसे परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, लो राम यदि तुम पर ब्रह्म हो तो इस धनुष की प्रत्यंचा को चला। श्री रघुराम
रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। परशुराम जी को यह विश्वास हो गया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। इस प्रकार से रघुनाथ जी ने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा दिया और प्रत्यंचा को खींच करके घोर शब्द हुआ टंकार की, दसों दिशाओं में शब्द गूंज गया। दस दिक्पाल ब्रह्मादिक देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। परशुराम जी ने उसी समय प्रणाम किया है श्री राम जी को और लखन भैया को प्रणाम किया, क्योंकि शेषावतार हैं श्री लखन भैया। वंदन किया है श्री राम, जय राम, जय जय राम। सरकार की। इस प्रकार परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, वंदन किया है। जाना राम प्रभाव, तब श्री रघुनाथ जी का प्रभाव समझ लिया है परशुराम जी ने। जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात, हृदय न प्रेम सम। जय रघुवंश बनज बन भानु, परशुराम जी को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के बाद बाद क्षमा याचना भी की कि हमने आपसे अपशब्द कहे,
उनको क्षमा कर देना, क्योंकि क्रोध में आकर के मुझे अपनी स्थिति का भी पता नहीं था, इसलिए हमारे हमने जो आपसे अनुचित व्यवहार किया है उसको मुझे क्षमा करना। आप दोनों भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप परब्रह्म हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, स्वयं चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ जी के रघुवंश में पुत्र बन करके आए हो, रघुवंश कुलावतंश। हे प्रभो, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। परशुराम जी ने फिर आशीर्वाद दिया है जनक जी को कि अब हमारा संताप परिताप सब दूर हो चुका है, अब आप प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। प्रणाम करके परशुराम जी चले गए। पूरी सभा अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्रोध भी हो गए लेकिन अच्छे के लिए हुआ। विवाह शादी हो और यदि थोड़ा टोका टाकी ना हो, आज चर्चा कल चल रहे थे, हमारे नरेंद्र राजा साहब कह रहे थे, बोले महाराज जी विवाह शादी हो और टोका टाकी या थोड़ा फूफा या मौसा नहीं लड़े तो बोले विवाह शुभ नहीं होता। बात भी सही है, सीधे सीधे विवाह हो जाए तो विवाह लगता ही नहीं है जब तक लात घूसा पीठ मध्य थापड़म मुख भंजन और चरण दास कपाल मध्य अनगिनतम पड़ापड़म। थोड़ा ये भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़ी नोक झोंक तो होती है और नहीं हुई तो वो विवाह नहीं करते। इसलिए कभी दूल्हा रूठ गया, कभी बारात में फूफा जी रूठ जाते, कभी मौसा जी रूठ जाते, फिर उनको मनाया जाता है, ऐसा हो जाता है। पहले की बारातें ऐसी थी कि रूठ जाते थे तो बहुत मनाया जाता था उन्हें, आजकल की बारातें तो अजब है। कैसी है? बोले बारात गए तो कहां जा रहे, बोले बारात में। तो पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो चारों तरफ नजर घुमाई और देखा तो क्या है, बोले बड़ी बोतल है कि नहीं। सो पहले तो किया ड्रिंकिंग, खूब पिया और फिर देखा तो कुछ, फिर ईटिंग कुछ खाया और खा पी करके फिर आया उसका नशा। सो आपस में हुई फाइटिंग। अब फाइटिंग होगी जब नशा होता है उसका तो उसमें होश नहीं रहता है कि हमारे ये मानदान है के खानदान के हैं के कौन है, वो तो फिर मार धार फाइटिंग होती है। और जब फाइटिंग हुई तो पहले ड्रिंकिंग, फिर ईटिंग, फिर फाइटिंग और फिर हाथ पैर टूटे से हॉस्पिटल में स्लीपिंग। फिर आए 4-10 दिन में लांकते हुए झूमते, क्यों भाई क्या हुआ, कहां गए थे, बोले बारात गए थे। ये है बारात। राजा दशरथ जी के यहां, राजा जनक जी के यहां बारात ठहरी। तो बसंत पंचमी से लेके धनतेरस तक कितने महीने बारात ठहरी। जैसे ही राजा दशरथ जी कहते थे जनक जी को के महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, तो जनक जी रो पड़ते थे, कंठ भर आता था और चरणों में प्रणाम करते थे, हमसे क्या गलती हो गई, आज और रुक जाइए। और एक दो नहीं, 100-200 नहीं, लाखों की संख्या में बारात थी। और कितने तो हाथी घोड़े थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था, एक हाथी का पेट पालना कितना, वहां हजारों हाथी बारात में गए, हजारों रथ बारात में गए, सेना गई लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, सबके लिए भोजन की व्यवस्था, ऐसा नहीं कोई भूखा सो जाए, ऐसी अद्भुत बारात है। और ऐसी अद्भुत बारात ठहरी है तो जनक जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और श्री रघुनाथ जी रघुवर रघुनाथ जी के अयोध्या में अवध में अपना दूत भेजा पाती लेकर के कि जाओ चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ जी को हमारा निमंत्रण प्रदान करना, हमारी तरफ से उनको दंडवत प्रणाम कहना। उसमें पाती में सब कुछ लिखा है मर्यादा पूर्वक, सभी कुल सबसे पहले इष्ट देवता को, फिर गुरु को प्रणाम, फिर राजा दशरथ जी को प्रणाम, फिर उनके पूर्वजों को प्रणाम, फिर उनके परिवार को प्रणाम, इस तरह से मर्यादा पूर्वक राजा जनक जी ने पत्र लिखा।
विदेह राजा जनक अत्यंत प्रसन्न है। और जैसे ही पत्र लेकर के बंदी जन गए हैं, आज अयोध्या भवन के ऊपर घर के ऊपर कौआ बोल गया। अयोध्या भवन के दरवाजे की खूंटी पर कौआ बोल रहा है सुबह सुबह, तो शुभ शकुन हो रहा है। जैसे घर के ऊपर बड़ेरे पे कौआ बोले तो शुभ शकुन होता है कि कोई रिश्तेदार या नातेदार आने वाला है। अयोध्या भवन की खूंटी पर कौआ बोल रहा है, ये शुभ शकुन है। तो कौशल्या जी ने सुना, वो पूजा में बैठ रही थी, स्नान करके पूजा के लिए जा रही थी, तो रसोई से व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा रही, तब तक कौआ बोल गया। तो कौशल्या जी कहती है, कागराज आज हमारे राम राघव राम की शुभ सूचना मिलेगी तो तुम्हारी चोंच सोने से मढ़ गई। कागभूषुण जी ने यह शुभ शकुन दिया है कि अब समाचार आ रहा है। तब तक थोड़ी ही देर में जनकपुर से वो बंदी जन आ गए, दूत आ गए राजा जनक जी के, और महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया, सभा में विराजमान थे। राजा जनक जी के समाचार को सुनते ही दशरथ जी, राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न। जब से ऋषिवर गए लिवाई, तब से सांच आज शुद्ध पाए। जब से मेरा रघुवर राम गया है, आज हमें सच्ची शुद्ध प्राप्त हुई समाचार मिला है। इस प्रकार से दशरथ जी ने उनका सम्मान किया और स्वागत किया, आइए बंदी जन क्या समाचार लेकर के आए हो। कि जा दिन ते ऋषि गए उलवाई, तब ते आज सांची सुधी पाई, तब ते आज सांची सुधी पाई। जा दिन ते मुनि गए उलवाई, तब ते आज सांची सुधी पाई, तब ते आज सांची सुधी पाई। कहो दूत, बोले महाराज विदेह राज जनक ने, राजाधिराज महाराज ने आपको ये पत्र भेजा है। पत्र महाराज दशरथ जी ने पढ़ा, सभी को प्रणाम और प्रार्थना की है कि महाराज आपका दास यह जनक आपसे प्रार्थना करता है। इस संयोग परमात्मा विधिना ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, इस संयोग को आप स्वीकार करें और आपके चरण कमलों में मैं वंदन करता हूं कि आप बारात लेकर के अपने गुरुजनों को, ऋषि जनों को लेकर के आइए, और आप हमारी राजकुमारियां चार पुत्रियां हैं और आपके चार राजकुमार हैं, इस संबंध को स्वीकार करें। राजा दशरथ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, हृदय प्रसन्न हो गया, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए, प्रार्थना की। गुरु विश्वामित्र जी पहले ही मिथिलापुर में विराजमान हैं, अनेक सहस्र ऋषि मुनि वहां पर विद्यमान हुए, सबसे श्रेष्ठ दिव्य रथ गुरु वशिष्ठ जी का तैयार किया गया, और राजा दशरथ जी का चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ जी का दिव्य रथ तैयार हुआ। एक एक रथ पर शत्रुघ्न और भरत विराजमान हैं। इस प्रकार से दिव्य बारात चली, देवी देवताओं को वंदन किया, गणपति को वंदन करते हुए अपने
पितरों को स्मरण करते हुए, पूर्वजों को स्मरण करते हुए बारात चली। अद्भुत बारात है, और वो बारात ऐसी अद्भुत बारात है जिसमें हजारों लाखों की संख्या है। चतुरंगनी सेना के साथ राजा दशरथ जी गए हैं। ब्रह्मादिक देवता भी इस बारात के दर्शन करने के लिए अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। बोलिए श्री अयोध्या नाथ की, चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, लागी झुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज तात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। इस प्रकार से दिव्य बारात का प्रवेश हुआ है, और जैसे ही बारात आगे प्रवेश करती है तो राजा जनक जी को वहां पता लग गया मिथिलापुर में बारात का आगमन हो चुका है। तो आगवानी के लिए गए, बारात का स्वागत किया, राजा दशरथ जी को भेंटे, उनका पूजन वंदन किया। स्वागत करते हुए बारात को मिथिलापुर में निवास प्रदान कराया है, और दिव्य बारात चढ़ी है, जय जयकार हो रही है। जैसे सवारी दुल्हा घोड़े पर बैठ करके और पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही चारों कुमार पूरे नगर की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पूरा जन समूह साथ में है। आज मिथिला अद्भुत अलौकिक हो गई। संपूर्ण मिथिला को ऐसा अद्भुत सजाया गया कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अद्भुत है। मिथिलापुरवासी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं कैसे सुंदर राजकुमार हैं। श्री रघुनाथ जी का तो दिव्य दर्शन करके सब निहाल हो जाते हैं, देखते हैं कि चारों कुमार कितने सुंदर हैं, और इन चारों में जो बड़का जो बड़े हैं कितने सुंदर हैं, जिनका दर्शन करके मन ऐसे लगता है कि इनको देखते ही रहे। मिथिला नगरी में साक्षात परब्रह्म परमात्मा पहुंच गए, और देखा है मिथिलापुर वासी अपनी मिथिला भाषा में गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं सखी सखियां गा रही हैं कि ये चारों नंदलाल, चारों जो कुमार हैं, ये चारों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन चारों में जो बड़े हैं, बड़के हैं, वो बड़े कमाल के हैं, बड़े अद्भुत हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा दुल्हा में बड़का कमाल सखी। बड़ी सुंदर गीत के माध्यम से मिथिलापुर वासी, मिथिलापुर की नारियां गा रही हैं, और सभी नर नारी दर्शन करके अपने नेत्र को सफल बना रहे हैं। आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों
शेष मणि बोरिया कुंडल सोहे कनुआ के कुंडल सोवे थे शेष मणि बोरिया कुंडल सोहे कनुआ शेष मणि बोरिया कुंडल सोहे कनुआ पारी पारी कजरारी चुन भी नयनवा कारी कारी कजरारी चुन भी नयनवा लाल चंदनवा सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदनवा सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मेरे लाल गरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे अखियों ने देखो नाना सोनी का कान रे देखो जुग जुग जीवे जोड़ी जुग जुग जीवे जोड़ी ये तो सखी बे मसाल चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जुग जुग जीवे जोड़ी जोड़ी पे मसाल सखिया जोड़ी पे मसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज
मगन धरतिया मगन गगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया आज धरती मगन है गगन भी अंबर भी मगन है क्योंकि रघुवर का विवाह हो रहा है गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा सावरी सुरतिया देखी देखी दूल्हा सावरी